हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। जहां लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट्स किसे कहते हैं और अकाउंट्स के कितने टाइप होते हैं, इस बात पर हमने लास्ट वीडियो में चर्चा कर ली है। आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं अकाउंट्स से जुड़े जो नियम हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो इन नियमों को हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, यानी जो भी अकाउंट्स आप यूज़ कर रहे हैं अपने लेन देन में, उन अकाउंट से संबंधित एक नियम होता है और उस नियम के अकॉर्डिंग ही लेन देन को हमें अपनी अकाउंट्स बुक्स में लिखना होता है। इसे हम अकाउंटिंग का गोल्डन रूल कहते हैं। एज वी नो देर आर मेनली थ्री अकाउंट्स, जैसा कि हमें पता है कि कुल मिलाकर तीन अकाउंट्स हैं। एक पर्सनल अकाउंट होता है जिसमें हम किसी पर्सन, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, जिसके अंतर्गत हम किसी एसेट या किसी लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ होते हैं हमारे पास नॉमिनल अकाउंट्स, जिसमें हम लोग नाम मात्र के खाते जैसे कि इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, इनको देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारी वीडियोस देख ली हैं जिसमें मैंने अकाउंट्स की पहचान को बताया है। अगर नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट हम लोग अकाउंट्स को यूज़ करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर तीन अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है हमारे पास रियल अकाउंट और तीसरा होता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। अब इन्हीं तीनों अकाउंट के लिए अकाउंटिंग के अंदर एक रूल दिया गया है। हर अकाउंट के पास अपना एक रूल होता है, इसी रूल को हम लोग गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। इन अकाउंटिंग ईच अकाउंट हैज अ रूल, अकाउंटिंग में हर अकाउंट के पास एक रूल है, विच हेल्प इन ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन में मदद करता है बिटवीन डिफरेंट अकाउंट्स, अलग अलग अकाउंट्स के बीच में। दीज रूल्स आर कॉल्ड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, इन्हीं रूल्स को हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। तो याद रखिएगा, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या है, ट्रांजेक्शन में जो अकाउंट यूज हो रहे हैं उनके बीच में कुछ नियम होते हैं कि किस तरीके से हमें किस अकाउंट को यूज करना है, इसी को हम गोल्डन रूल्स कहते हैं। क्या है ये गोल्डन रूल्स, आइए देखते हैं। अगर हम करें, मैंने जैसे बताया कि पर्सनल के लिए गोल्डन रूल होता है, एक रियल के लिए होता है, एक नॉमिनल के लिए। तो अगर हम पर्सनल के गोल्डन रूल को देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपको रिसीवर के खाते को डेबिट करना होगा, यानी उसके खाते में जमा करना होगा, जबकि गीवर के खाते से क्रेडिट करना होगा, अर्थात वहां से पैसे को निकालना होगा। अब यहाँ दो शब्दों को ध्यान दीजिएगा, डेबिट मतलब जब भी हम पैसे कहीं जमा करेंगे तो डेबिट शब्द का प्रयोग होगा, और पैसे कहीं से निकाले जाएंगे तो क्रेडिट शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। और बैंक के टर्म में ये चीज़ उल्टा दिखता है हमें, लेकिन वो जो मैसेज हमें बैंक से मिलता है ना, आप लोगों ने देखा होगा बैंक में अक्सर जब आप पैसे जमा करते हैं तो आपका अकाउंट क्रेडिटेड लिखता है, और जब आप पैसे जमा निकालते हैं तो आपके अकाउंट में डेबिटेड लिखता है। इसका मेन कारण यह है कि वो अकाउंट बैंक की तरफ से आया होता है, जहां पर ये ट्रांजेक्शन जस्ट अपोजिट हुई होगी। मतलब जब आपने पैसे जमा किए तो बैंक ने आपके खाते को क्रेडिट में लिखा और उसने अपने खाते को डेबिट में लिखा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे जाके और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हमें रूल कैसे याद रखना है, रूल को याद करने का सिंपल तरीका है, आप ऐसे पढ़िए, रिसीवर के खाते को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और गीवर के खाते को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बस इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा, रूल याद कर लीजिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गीवर। जहाँ लिखा हुआ है कि रिसीवर का खाता जो है वो डेबिट किया जाएगा और गीवर का खाता क्रेडिट किया जाएगा, ओके। चलिए यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, जिन प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हैं कि इस गोल्डन रूल से आधारित क्वेश्चनों को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बात और, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं, ये क्वेश्चन अकाउंटिंग में इस तरह से नहीं बनाए जाते, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में बनाया जाता है। तो यहाँ बस समझाने के लिए मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील किया है। जैसे अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन कहता है कि मोहन पेड ₹3000 टू सोहन, मोहन ने सोहन को ₹3000 दिए। तो आप देखो कि यहाँ एक खाता किसका बना है, एक खाता आप कहेंगे मोहन का बनेगा, एक खाता किसका बनेगा, सोहन का।
अब दोनों की बात करें तो मोहन ने पे किया है सोहन को, सोहन रिसीवर है, सोहन रिसीवर है और मोहन जो है गीवर है। यही बात हुई, वही बात यहाँ लिखी है कि मोहन जो है ना वो गीवर है और सोहन जो है वो रिसीवर है। क्वेश्चन पढ़ के देखिए, मोहन पेड ₹3,000 टू सोहन, मोहन ने सोहन को ₹3,000 पे किए। तो रूल के अकॉर्डिंग रिसीवर का खाता डेबिट किया जाएगा और गीवर का खाता क्रेडिट किया जाएगा। इसलिए देखो जो रिसीवर है उसके खाते को डेबिट में लिखा गया है और जो गीवर है उसके खाते को क्रेडिट में लिखा गया है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि गिव अ चेक ऑफ ₹5,000 टू रमेश, रमेश को ₹5,000 का एक चेक दिया गया। यहाँ देखो डेफिनेटली एक रमेश का खाता बनेगा, एक खाता किसका बनेगा, रमेश का, और दूसरा खाता किसका बनेगा, क्योंकि हमने उसे चेक दिया है तो चेक का जो लास्ट इफेक्ट पड़ेगा वो हमारे बैंक के ऊपर पड़ेगा, इसलिए दूसरा खाता हमें बैंक का बनाना पड़ेगा। तो एक खाता रमेश, दूसरा बैंक। अगर मैं बात करूं तो रमेश एक पर्सनल अकाउंट है और बैंक भी क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। तो रूल जो लगता है पर्सनल में वो होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर हम बात करें कि यहाँ चेक मिला है रमेश को, इसलिए रमेश रिसीवर होगा, ठीक है, रमेश क्या होगा, रिसीवर होगा, और बैंक से वो चेक गया है यानी बैंक उसको पैसे दे रहा है, मतलब वो गिवर हो सकता है। तो जो रिसीवर है उसका खाता डेबिट किया जाएगा, जो गिवर है उसका खाता क्रेडिट किया जाएगा। ये चीजें रूल पे ही सारी डिपेंड करती है। तो अगर आपको रूल अच्छे से याद है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन बनाने में, ठीक है। तो जैसा रूल था उसके अकॉर्डिंग हमने अभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन को बनाया और आपने देखा कि जैसे जैसे हमें रिसीवर और गीवर दिखते गए हमने उनको क्रेडिट या डेबिट करना शुरू किया। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है गेट अ चेक फ्रॉम सोनू ऑफ रुपीज, गेट अ चेक फ्रॉम सोनू ऑफ ₹10,000। 10,000 का एक चेक हमने सोनू से पाया, 10,000 का एक चेक हमने सोनू से पाया। तो यहां पर देखो सोनू से पाया 10,000 का एक चेक, ऐसे है तो चेक कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। चेक जब भी रहे तो बैंक का खाता बनाइए। और दिया किसने है, ये सोनू ने। अब देखकर ही लग रहा है कि सोनू गीवर हो सकता है क्योंकि सोनू ने ही ये चेक हमें दिया है, और बैंक में जाएगा इसलिए ये रिसीवर होगा, बैंक जो होगा रिसीवर होगा। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रिसीवर का खाता डेबिट किया जाता है जबकि गीवर का खाता क्रेडिट किया जाता है। पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो रिसीवर है उसका खाता डेबिट होता है, जो गीवर है उसका खाता क्रेडिट होता है। यहाँ आप मिला सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख रहा है ट्रांसफर 6,000 फ्रॉम, एक बैंक हमारे पास पीएनबी है, दूसरा एसबीआई, तो दोनों तरफ बैंक ही है, एक बैंक है जो कि पीएनबी है और एक है बैंक जो कि एसबीआई है, ठीक है। अब यहां पर आप क्या देख सकते हैं कि दोनों बैंक, और दोनों बैंक है तो दोनों पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में होता है रिसीवर और गीवर। तो यहां देखो लिखा है ट्रांसफर फ्रॉम पीएनबी टू एसबीआई, पीएनबी से एसबीआई को गया है, पीएनबी गीवर है, पीएनबी कौन है, गीवर, जहां से पैसे जा रहे हैं, और जा कहां रहे हैं, एसबीआई में, इसलिए ये रिसीवर हो गया, मतलब प्राप्त करने वाला, ठीक है। गीवर के खाते को क्रेडिट करेंगे, रिसीवर के खाते को डेबिट करेंगे। क्लियर हुई बात। तो ये था आपका गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट में पहला गोल्डन रूल, जो कि था किसका, पर्सनल का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा देखिए और फिर से आप डिसाइड करिए कि कहाँ क्या होना चाहिए। गोल्डन रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और अगर आपको ये पहचानने में दिक्कत हो रही है कि बैंक पर्सनल क्यों होगा या सोनू को पर्सनल क्यों बनाएंगे, तो इसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियोस को देखना पड़ेगा जिसमें मैंने ये बता रखा है कि किन सिचुएशन में हम किसी खाते को पर्सनल मानते हैं और किसी खाते को रियल या नॉमिनल मानते हैं, ठीक है। चलिए तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी।